राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर अब मैं आ गई हूँ आपके साथ एक और न्यूड समर ड्रेस का आइडिया शेयर करने के लिए, क्योंकि समर सीज़न चल रहा है और लॉकडाउन करके ड्रेसेस मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कान्हा जी की जो ड्रेसेस है वो घर पर बना लें। तो आज जो मैं समर ड्रेस लेके आई हूँ उसके लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। आप कोई सा भी प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये हार्ट प्रिंट लिया है। ये मैं 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। इससे पहले मैंने ये सेम ड्रेस 2 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई हुई है, तो मैं 2 नंबर के कान्हा जी का भी मेज़रमेंट बता दूँगी। बाकी सब कान्हा जी का भी मैं मेज़रमेंट आपको एक एस्टिमेट दे दूँगी। तो जो 4 नंबर के कान्हा जी के लिए मैंने एक लॉन्ग स्ट्रिप ली है स्कर्ट के लिए, ये है 3.5 by 30 inches लॉन्ग स्ट्रिप है ये। और जो मैंने 2 नंबर के कान्हा जी के लिए यूज़ की है वो मैंने 2.5 by 22 inches की स्ट्रिप यूज़ की है। तो आप स्ट्रिप का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप बड़े नंबर के लिए बना रहे हैं तो स्ट्रिप का साइज़ लेंथ 1 point इंक्रीज़ कर दीजिए 1 inches, और विड्थ जो है वो 4-5 inches अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज़ कर दीजिए, तो ये ड्रेस बन जाएगी। तो मेरे पास ये 2 स्ट्रिप्स हैं तो मैं इनमें जोड़ डालूँगी, क्योंकि एक लॉन्ग स्ट्रिप नहीं थी मेरे पास, तो मैंने ये 15-15 inches की 2 स्ट्रिप्स ली है। अब हमने इस स्ट्रिप में यहाँ पे एंड्स में जो लेंथ के एंड्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे हेमिंग कर लेनी है। देन हेमिंग करने के बाद हम एक साइड पे इस तरह से चुनटे डालेंगे। चुन्नटों पे स्टिच लगा देंगे। तो हमने ये चुन्नटें ऐड कर ली है और मैंने यहाँ नीचे की साइड पे भी हेमिंग दे दी है। आप चाहो यहाँ पे लेस अटैच कर सकते हो या सिंपली हेमिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपली हेमिंग दी है। अब हमने एक स्ट्रिप लेनी है जिसकी जो लेंथ हम लेंगे वो इसके साथ जितना ये आया है चुन्नटें डालने के बाद उतनी लेंगे। यहाँ पर ये 3.5 inch है तो हम 4 inches ले लेंगे, और विड्थ जो है वो हम 1.5 inches ले लेंगे। इस स्ट्रिप को हमने कुछ इस तरह से दोनों साइड से पहले हम हेम कर लेंगे, जो हमने 1/2 inch एक्स्ट्रा लिया है उससे, यहाँ से भी और इधर साइड से भी। अब हम यहाँ पे रखेंगे फिनिशिंग के लिए, ये स्ट्रिप लगाई जाती है ताजो थ्रेड्स वगैरह ना निकले। अब हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे इसको, देन फोल्ड करके इधर की साइड स्टिच कर देंगे, वो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो ये हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर हम इसके मिड में मार्क करेंगे। तो ये स्कर्ट पोर्शन हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब बारी आती है चोली की। चोली के लिए हमने कुछ इस तरह फैब्रिक लेना है। ये मैंने 2 by 1.5 inches का लिया है। 1.5 inches इसकी विड्थ है और 2 inches लेंथ है। आप कान्हा जी का नाप ले सकते हैं फ्रंट का। मैं आपको बताती हूँ कैसे। कुछ इस तरह से आप नाप ले लीजिए। ये देखिए 1 inches है तो आप 1.2 inches ले लीजिए, और यहाँ से ये 0.8 inches है तो 1 inches ले लीजिए। हल्का हल्का एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमने जो है हेमिंग करनी है इसीलिए। तो अब हम इसको 3 साइड से हेम कर देंगे, 4th साइड से नहीं करेंगे क्योंकि 4th साइड स्कर्ट के साथ अटैच हो जाएगी। तो इसको हम 3 साइड से हेम कर देंगे, अपर साइड से और दोनों साइड से। ये जो लोअर साइड है वो छोड़ देंगे। तो ये हमने 3 साइड से हेमिंग कर ली है। अब हम इसको मिड में अटैच कर देंगे। जहाँ पे मिड मार्क किया करेंगे हम इस चोली में भी मिड मार्क करेंगे। उन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए हम इस तरह से अटैच कर देंगे। और ये ऊपर वाली जो साइड रह गई यहाँ पे हम रिबन लेस या इसी फैब्रिक की पट्टी बना के वो अटैच करेंगे, जो कि नेक के अराउंड टाई अप हो जाएगी। तो ये ड्रेस हमारी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह की ड्रेस बन के आएगी। अब हमने एक वेलक्रो टेप लेनी है जिसको हम स्कर्ट पोर्शन में ऐड कर देंगे, जिससे ये सिक्योर हो जाएगी स्कर्ट पीछे की साइड। तो ये ड्रेस हमारी बन के रेडी है। हमने वेलक्रो टेप ऐड कर दी है बैक में। ये कुछ इस तरह की बनेगी और ये पहनाने के बाद कुछ इस तरह की लगेगी।
देखिए मेरे कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं। ये मैंने 0 नंबर के साइज़ में भी बनाई है। 0 नंबर के साइज़ में मैंने इसकी लेंथ जो स्ट्रिप की ली है वो 1.5 इंचज़ ली है और विड्थ 12 इंचज़ ली है। और ये जो स्ट्रिप है ये मैंने हल्की सी बस बिल्कुल ना के बराबर लगाई है, देख सकते हैं आप। या 1/1 इंच का पीस ले लीजिए, उसी को दोनों साइड हेम कर दिया। थर्ड साइड मैंने हेमिंग नहीं दी, सिंपल रिबन अटैच किया है। तो ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बस लेंथ और विड्थ हल्का हल्का इंक्रीज डिक्रीज करना है। देखिए ये मैंने साथ में मैचिंग की पगड़ी बांधी है सेम फैब्रिक की स्ट्रिप लेके। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताजो मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।